रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। रेडियो खांची 90.4 एफएम हम सबका रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। आई एम एस के एल दास, आई एम अ फैकल्टी ऑफ CPPS इन रांची यूनिवर्सिटी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ RRB NTPC एग्जाम। स्टूडेंट्स, दिस इज सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप फॉर RRB NTPC एग्जाम एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस रेडियो खांची 90.4 FM हम सबका रेडियो पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ स्केल दास, आई एम अ फैकल्टी ऑफ CPPS इन रांची यूनिवर्सिटी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स फॉर RRB रेलवे NTPC एग्जाम 2019-20। स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिसेंट पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर ऑल द CPPS स्टूडेंट्स एंड फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, 2 years अगो द वैल्यू ऑफ माई मोटर बाइक वॉज रुपीज 62,500। इफ द वैल्यू डेप्रिसिएट्स बाई 4% एवरी ईयर, नाउ इट्स वैल्यू इज। इन हिंदी, 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 रुपया था। यदि प्रतिवर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है तो इस समय उसका मूल्य क्या होगा। द गिवन ऑप्शन इज ₹56,700, ₹57,500, ₹55,700। स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस आपके अपकमिंग RRB शिफ्ट एग्जाम RRB एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना भी पूरी हमेशा से रहती है। सो आप जितने भी टाइप अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसे अच्छे तरीके से समझें और अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट स्पीड बहुत ही अच्छा हो एग्जाम में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मोटर बाइक का मूल्य 62,500 दिया हुआ है, तो फर्स्ट ईयर एवरी ईयर 4% जो है प्राइस डेप्रिसिएट करता है, मूल्यह्रास होता है 4% का। 62,500 में 4% जो है माइनस होगा फर्स्ट ईयर। तो 62,500 का 1% ₹625 होगा और 4% होगा 625 × 4, 2500। इसका मतलब 62,500 यानी 62,500 में 2500 फर्स्ट ईयर प्राइस कम हो जाएगा। दैट इज, फर्स्ट ईयर के बाद उस बाइक का मूल्य 60,000 रुपया होगा। नेक्स्ट ईयर अगेन 4% प्राइस डेप्रिसिएट करेगा। 60,000 का 1% 600 होता है और 4% 2400 होगा, यानी कि 60,000 में सेकेंड ईयर 2400 रुपीज़ का प्राइस में कमी आएगा। दैट मीन्स 60,000 माइनस 2400 इक्वल टू 57,600 विल बी द प्राइस ऑफ मोटर बाइक आफ्टर 2 ईयर। तो स्टूडेंट्स, राइट आंसर इज 57,600। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 एट 7% पर एनम फॉर एन ईयर्स इज रुपीज 4,347। द वैल्यू ऑफ एन इज, 30,000 रुपये की राशि पर 7% वार्षिक दर से एन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपया है, तो एन का मान बताइए। और गिवन ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि 7% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है 30,000। तो 2 ईयर्स में फर्स्ट ईयर 30,000 का 7% यानी कि 1% होगा 300, 7% होगा 2100।
यानी 2100 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट होगा 2100। सो टू ईयर में टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2100 अप 2100 4200 रुपीज़ टोटल सिंपल इंटरेस्ट होगा। एंड वी नो दैट द फर्स्ट ईयर द डिफरेंस विल बी जीरो एंड सेकंड ईयर 2100 का 7% कंपाउंड वाले को और मिलेगा, दैट इज 147 रुपीज़। 2100 का 1% 21 होगा एंड 7% 21 इंटू 7 147 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेगा। दैट 147 रुपीज इज द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। सो द सी आई इज 4200 प्लस 147 इक्वल टू 4347। दैट मीन्स आफ्टर टू ईयर यू विल गेट 4347 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो द वैल्यू ऑफ एन इज टू ईयर। स्टूडेंट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस और ट्रिक टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आरबी एनटीपीसी एग्जाम एंड मेनी टाइम्स रिपीटेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम। द क्वेश्चन इज, द सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इट्सेल्फ इन टू ईयर्स, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दो वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? और गिवेन ऑप्शन है 25%, 22%, 21%, 20%। स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग प्रिंसिपल को 100% सपोज करते हैं। इफ प्रिंसिपल इज 100%, देन द अमाउंट विल बी 1.44 टाइम्स, दैट इज 100 इंटू 1.44 144%। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल इक्वल टू 100%, अमाउंट इक्वल टू 144%, दैट मीन्स वी नो दैट सी आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 144 माइनस 100 इक्वल टू 44%। स्टूडेंट्स, सी आई इक्वल टू 144%, तो सी आई 44% कब आएगा? जब रेट 20% होगा। स्टूडेंट्स, 20 + 20 = 40% सिंपल इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड वाले को 20% एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड वाले को इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। दैट मीन्स 20% 4% उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, दैट इज 44% CI होगा। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर 20% होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी था। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़े हैं तो आप बहुत ही इजी वे में इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स, आई सोल्ड अ बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 12%, हैड आई सोल्ड इट फॉर रुपीज 18 मोर, 18% प्रॉफिट वुड हैव बीन गेन्ड, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। यदि मैं एक किताब 12% के लाभ पर बेचता हूँ, यदि मैं इसे 18 रुपया अधिक में बेचता तो 18% का लाभ प्राप्त होता, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अगर आप 12% प्रॉफिट पर सेल करते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस 112% होगा, और यदि आप 18% प्रॉफिट पर सेल करेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस 118% होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है कि अगर मैं 18 रुपीज मोर में सेल करता तो आपका 18% प्रॉफिट होता, यानी यहाँ पर प्रॉफिट का डिफरेंस 6% का है, 12% और 18%। द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट इक्वल टू 6% एंड इन टर्म्स ऑफ रुपीज दैट इज इक्वल टू 18। सो 6% इक्वल टू 18, 6% का मान 18 रुपया के बराबर होगा, तो 1% का मान 3 रुपया के बराबर होगा, और कॉस्ट प्राइस 100% का मान 100 × 3 = 300 रुपीज के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए। इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा से आपके एग्जाम में आता रहा है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार भी आने का पूरा चांस है, अ डिसऑनेस्ट ग्रॉसर सेल्स राइस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, एक बेईमान दुकानदार चावल को 10% के लाभ पर बेच देता है, एंड यूजेज अ वेट विच इज 20% लेस, और 20% कम बाट का या वजन का यूज उपयोग करता है, फाइंड हिज
टोटल परसेंटेज गेन, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एविडेंस, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सीपी को 100 मान लीजिए। सीपी अगर आपका 100 है तो वो 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 110 हो जाएगा, 110। और यदि वो 20% कम वेट का यूज कर रहा है, दैट मीन्स 100 का जो उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, उसमें 20% माइनस कर दीजिए, उसका 80 रुपीज का ही वो प्रोडक्ट दे रहा है आपको, यानी उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस 80 होगा और आपको वो सेल कर रहा है 110 में, दैट मीन्स 30 रुपीज का वहाँ पर वो प्रॉफिट गेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, 30 रुपीज का वो प्रॉफिट गेन किया और आपका आप और उस ग्रॉसर को 80 रुपीज का ही वो प्रोडक्ट दिया, दैट मीन्स प्रॉफिट होगा 30 रुपीज का 80 रुपीज पर। दैट मीन्स प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100, दैट मीन्स 30/80 × 100, दैट इज इक्वल टू 37.5%। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो कि आपके RRB NTPC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाएं, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट for your exam.